आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एंगर मैनेजमेंट, क्रोध को, गुस्से के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको बहुत क्रोध आता है, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, रेस्टलेस हैं, इरिटेटेड रहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके मन को शांत करेगा और आपके ये गुस्से के जो आप जाल में फंसे हुए हैं और अपने आप को हरदम सोचते हैं कि मैं कल से गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन फिर गुस्सा करते रहते हैं, तो ये जो आपकी आदत सी बन चुकी है और जो आप चाहते हो वे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उससे आप जिंदगी में बहुत सारे हानि उठा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, कुछ लोग स्वभावतः बचपन से ही गुस्सेबाज होते हैं। क्यों होते हैं? एक घर में दो भाई हैं, एक भाई शांत है, दूसरा भाई गुस्से वाला है। क्यों है? दोनों में भेद जेनेटिकल, तो दोनों एक ही माता पिता के संतान है, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही खाना खाते हैं, लेकिन दोनों स्वभाव में परिवर्तन क्यों है? एक इतना गुस्सेबाज क्यों है? मैं कहता हूं कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना पड़ेगा। आपके जो ये 9 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनकी इन्फ्लुएंस कैसे है, आपको देखना पड़ेगा। यदि आपके चार्ट में मार्स, मंगल और राहु, ये दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। ये आपके प्रकृति का हिस्सा है। यह समझिए कि आप न चाहते हुए भी आपको गुस्सा क्रोध आता है, और आप क्रोध में क्या कुछ कर बैठते हैं, क्या कुछ बोल जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, फिर बाद में पछताते रहते हैं। लेकिन बाद में प्रश्न क्या होगा, क्योंकि एक बार जो तीर मुंह से निकल जाता है, जो वाक्य निकल जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। उसका इतना डैमेजिंग इफेक्ट होता है कि रिलेशनशिप को खत्म कर सकते हैं, नौकरी में जॉब जा सकती है, आप बिजनेस करते हैं तो आपके कस्टमर आपसे भाग सकते हैं, आप बहुत परेशानियां लोगों के लिए पैदा कर देते हैं और अपने लिए पैदा कर लेते हैं। तो क्रोध एक ऐसी आग है जो कि न केवल दूसरों को जलाता है, खुद को जलाता है। आपकी जिंदगी का नरक हो जाती है, आप निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, हाउ टू मैनेज एंगर, एंगर मैनेजमेंट किताबें करते हैं, लोगों से सुनते भी हैं, मोटिवेशनल लेक्चर में जाते हैं, वहां भी सुनते हैं। थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आप शांत हो जाते हैं, बिकॉज यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, एवेयर अबाउट इट, लेकिन फिर आपको बेहोशी पकड़ लेती है, बिकॉज ये गुस्सा जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो इसके लिए जो ग्रह ने बताया, मंगल और राहु की जो बात कर रहा था मैं, वो दोनों को ठीक करना होगा। ये भी हो सकता है कि आपके आप इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं जिंदगी में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुख मुझसे कहां से आ रहा है। मतलब आप एक हेल्पलेस सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। आप एक चीज को समझ जाए कि एंगर इज अ साइन ऑफ हेल्पलेसनेस। क्रोध कोई वीरता की या वैलोर की निशानी नहीं है। इट डज नॉट मेक अ ब्रेव पर्सन, इट इज अ साइन ऑफ ए वीक पर्सन। एक आदमी गुस्सा कब आता है, जब वो हताश होता है, जब वो सोचता है कि जो परिस्थिति जिंदगी में चल रही है वो मेरे अनुकूल नहीं चल रही है, तो थिंग्स आर बियॉन्ड माय कंट्रोल, आई डोंट वांट टू कंट्रोल इट, दैट्स हाउ ही फील्स, दैट इज साइन ऑफ हेल्पलेसनेस। तो हेल्पलेसनेस में आदमी गुस्सा करता है, चिढ़ता है, चिल्लाता है। तो बेहद इस बात को समझ लीजिए और अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करें। जैसे आप ये दोनों उंगलियों को ऐसे अंगूठे उंगली को जोड़ लेते हैं और इसको अपने पास रखकर आंखें बंद करके लाल रंग की कल्पना करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे और उच्चारण करते हैं लम। तो इस प्रकार की जो है हमारे इस चैनल में और भी वीडियोज वगैरह हैं जो गौरा चक्र बैलेंस के बारे में करता हूं, तो रूट चक्र को बैलेंस करेंगे तो आपका मार्स और राहु ठीक हो जाएंगे, आपका क्रोध शांत होने लगेगा। और एंगर एक ऐसी एनर्जी है जो कि अच्छी बात है, गुस्सा होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ये बात है। जैसे आपके घर में करंट आ रहा है, लाइन से आ रहा है, मेन स्विच में आ रहा है, अचानक बहुत ज्यादा करंट आ जाए तो क्या होगा, मेन स्विच जल जाएगा, आपके घर के इक्विपमेंट सब उड़ जाएंगे, जल जाएंगे। तो वैसे ही एंगर का स्थिति भी ऐसे ही होता है, ये आपको नष्ट करता है, आपके परिवेश को नष्ट करता है, लोगों को नष्ट करता है, और आदमी तो क्रोध में मर्द कर बैठता है, अनुचित चिंता हो जाती है। तो इसलिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष पर मार्स और 9 मुखी रुद्राक्ष पर राहु का धारण करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यदि आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधन करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए, परामर्श के लिए कॉन्टेक्ट करें 8884985444। मैं कमांडर संतोष शर्मा, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।